आज है 18 मई, आज हम अपनी नई बाइक की अनबॉक्सिंग करने वाले। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। 1 2 3 चालू। यहाँ पर ना 2 दिन के लिए ऑरेंज जोन है, हमने ऑरेंज बाइक क्या ली, लिमिटेड एडिशन वाली, यहाँ पर ऑरेंज जोन लग गया। और ये बंदा सबसे अश्लील है, दुल्हन का घूंघट उठा रहा है पीछे। भाई साहब, मतलब ये जो राइड रहने वाली है ना हमारी, मेरे को लग रहा है अभी तक की सबसे ज्यादा खतरनाक दुखदाई कह सकते। शुरू करते हैं, चलिए। लाल वाली बाइक उतार दो, इसमें एक ऑरेंज वाली बाइक चढ़ा देता हूँ। ये 2 बाइक लेके दिल्ली पहुंच जाओ, मैं आ रहा हूँ फ्लाइट में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 7:20 और यहाँ बन रही है चाय और यहाँ हमारा बैग पूरा पैक हो चुका है, कोको भी रेडी है, हमें बाय बोलने के लिए, साथ जाने के लिए नहीं। और ये देखो, ये हो चुका है पतला, इसलिए बेल्ट में कोर मोरी कर रहा है। पेंट सारी इसकी पतली हो चुकी है, मतलब पेट पतला हो गया तो पेंट ढीली हो गई है, तो बेल्ट में मोरी कर रहा सुबह सुबह। और आमिर का अता पता नहीं है, आमिर मेरे भाई, आमिर गायब है भाई सुबह सुबह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज जो दिन है बहुत ही खुशी भरा दिन है, आज है 18 मई, आज हम अपनी नई बाइक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अभी हमें दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले, हमारी अनबॉक्सिंग होगी सूरत में। ओहो हो, क्या बात है, सुबह सुबह सूर्य देवता कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन 11-12 बजे ना इतनी तगड़ी धूप फेंकने लग जाते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं सूरत बाय एयर, 10 बजे की फ्लाइट है, 12 बजे वहाँ पहुँचेंगे, 2 बजे तक शोरूम पहुँच जाएंगे। हमने दिल्ली से बाइक क्यों नहीं ली, क्योंकि दिल्ली वाले दे ही नहीं रहे थे, एक्चुअली दिल्ली में थी नहीं बाइक, तो मैं उनको बुकिंग अमाउंट भी दे रहा था, वो कह रहे जब आएगी तो बताएंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने वहाँ फ़ोन करा, वो कह रहे आ जाओ सर आपके लिए बाइक खड़ी है। हमने बोला आ रहे हैं, पेमेंट करी, बाइक उठाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक ले कौन सी रहे हैं, हम बाइक ले रहे हैं सुजुकी हायाबुसा, वन ऑफ माय फेवरेट बाइक, ड्रीम बाइक, टाइम पहले ली थी लेकिन किसी कारण बेचना पड़ गया, लेकिन दोबारा हमारे घर आ रही है। ये मैं 5 साल बाद नई बाइक ले रहा हूँ, जितनी भी बाइकें हमने खरीदी है ना, सारी की सारी लिमिटेड बाइक्स हैं, नई आती नहीं है इसलिए पुरानी खरीदी। एक बाइक मैंने नई ली थी जिसका नाम है रुद्रा, हमारी BMW 1250, 2019 में, 2024 में हम हायाबुसा लेकर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, जब नई चीज़ आती है ना अलग ही लेवल की खुशी होती है। बस रेडी होते हैं, कैब बुलाते, निकलते हैं, ये ना आपसे बातें करते करते हमारी फ्लाइट ही छूट जाए। चलो छोटू चलो अंदर, चलो 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 चलो। जब भी घर से कहीं जाने लगो ना, इन भाई साहब को पता लग जाता है। क्या हुआ तेरे को, आ जाओ ऊपर, आ जा आ जा। ये देखो, तू नहीं जा सकता इतनी दूर बाय एयर मेरे साथ, बाद में लेके जाऊंगा तेरे को। बस मुझे पता नए कपड़े हैं, ये देखना इसको, नए कपड़ों को अच्छे से सूंघेगा। चल बैठ जाएंगे, सेट सेट, चल हाई फाइव कर दे फटाफट से, वेरी गुड, हेलो कर दे, वेरी गुड वेरी गुड। आज बड़ी मुश्किल से इसको मैंने जल्दी निकाला है, कह रहा आज बात खुले ही छोड़ के जा रहा हूँ। साधना कह रही, क्या कह रही है तू, तैयार होने में ये बहुत देर करते, सबसे ज्यादा देर करता है ना, सबसे पीछे रहते। चल ठीक है साधना, बाय बाय। सबसे आगे कौन रहता है ये भी बोल दो। ये चल कोको, बाय बेटा, 2-3 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखियो। चलो साधना इसका भी ध्यान रखियो, चलो चलो। बचपन से आदत है, कैसे सब लगेगा, निकल गए और क्या, गायब होने की ना, 7:40 हो गए, बस थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा नहीं हुए 15 मिनट के हिसाब से, लेकिन जिस दिन फ्लाइट होती है ना 15 मिनट लेट भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अरे मेरी जुल्फे गीले हैं, बाल है ना, सूख जाएंगे पहुँचते पहुँचते वहाँ पर। ठीक है, से बाहर लगा देना बुंदी। कैसे हो भैया, ठीक हो, बिठा लो हमें भी प्लीज़ भैया, प्लीज़। उसको देख, उसको देख कैसे सो रहा है। छोटू सो रहे थे मेरे को, सुबह सुबह तो मस्त मौसम हो रहा है। कोको बाय बाय कोको। और भैया कैसे हो, ठीक हो एकदम बढ़िया। 4 बैग हों बड़े बड़े तो आ ही नहीं सकते पूरे, तो उनको खुद सोचना चाहिए बड़ी गाड़ी करना चाहिए। हाँ, हम 3 बंदे तो हमने ये वाली गाड़ी करी है। चलो भाई, बाबा जी से प्रे करेंगे, अच्छे से जाए, अच्छे से आए, बढ़िया तरीके से पहुंच जाए, डिलीवरी ले लें और बाइक चला के अपने घर ले आए। डिलीवरी लेने जा रहे, नई बाइक खरीदी हमने सूरत, गुजरात, हाँ गुजरात से, तो उड़ के जाएंगे एरोप्लेन से और वहां से चला कर आएंगे 1200-1300 किलोमीटर। मजा आएगा कि नहीं आएगा, आप चलोगे भैया? भैया कह रहे मेरे को काम धंधा करने दो, कह रहे बैठ के कैसे आऊंगा, चलने को तो तैयार हूँ मैं। तैयार हूँ, ले चलो मेरे को, लेकिन बैठ के। भैया बाइक के पीछे है ना जगह, बाइक के पीछे बैठ जाना, 3 बाइकें हैं। 3 बाइक ली है, तीनों के पीछे जगह है, अगर आपको एक दो दोस्त भी लेके जाने साथ में, वो भी चल पड़ेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, दिल बहुत बड़ा है हमारा, बाइक भी बहुत बड़ा है, पीछे सीट भी बहुत बड़ा है, हायाबूसा में नहीं है बस पीछे सीट। क्या कह रहा भाई मेरे, बिना एसी के आदत है ना। ये देखो कह रहा बिना एसी के ना मेरे को आदत नहीं है, ये सुबह सुबह इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। भैया वोट कर लेते हैं, आपको एसी चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलाना पसंद करते हो? हाँ चला लेते हैं फिर, चलो वोट करने की जरूरत ही नहीं है भैया, ऐसे ही मान गए। धूल मिट्टी इतनी गाड़ी अंदर से गंदी होती है, सही बात। इसीलिए अच्छा गाड़ी के बारे में सोच रहा था, तो मेरे को लगा तू आमिर के बारे में सोच रहा, उसके बाल सूख जाएंगे ना। अरे आपने मन का बात कर दिया, दिल की बात जत प्रजोत की जुबानी। चलो भैया मजा आया आपके साथ, बाय बाय। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं यहाँ, और भीड़ तगड़ी भाई तगड़ी। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब यहाँ से सारे इंटरनेशनल ही जाते हैं, देखो बाय करने आए हुए सारे के सारे। पहले कभी हम एयरपोर्ट पे आते थे लगता था एयरपोर्ट पे आए हैं, अब रेलवे स्टेशन लगता है मेरे को, रेलवे स्टेशन की लाइन में खड़े हैं। बस डिफरेंस ये है कि फुल एसी चल रहा है यार, बस एसी चल रहा है यार। इतना भीड़ भाई साहब, भीड़ को देख के तो कभी कभी ऐसा लगता है फ्लाइट ही छूट जाएगा, लेकिन छूटता नहीं है। हमारा बैग हमेशा सिक्योरिटी चेक में ना साइड में आता है, फिर एक एक चीज खुलवा के देखते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा गोप्रो लेके जा रहा हूँ, कह रहे इसके अंदर क्या है, मतलब गोप्रो है इसके अंदर। भाई एयरपोर्ट पे हो रही है क्या अपनी बाइक की डिलीवरी? भाई हो सकता है यार, ले जाएगा प्लेन तक ही छोड़ दे खाली, इस पे बिठा के मेरे को 48 गेट नंबर तक। बढ़िया लग रही है, लेकिन आओ हमारी बाइक वहाँ वेट कर रही है, ये भी किसी का वेट कर रही होगी लेकिन हमारी वहाँ वेट कर रही है। लो भाई सुबह सुबह आमिर को पोटी आ गई है, घर से अभी खा के आ गया, वो जा रहा। बताओ यहाँ फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हल्की हल्की भूख हमें लग रही है, हमने सोचा खाना खाने जाएंगे, वो कह रहा है पहले मैं निकाल के तो हूँ फिर खाऊंगा। ऊपर से हमारे पास लॉन्ज एक्सेस भी है, लॉन्ज में बैठ के आराम से खाते, अभी आधा घंटा है वैसे। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, थक के आया मेरा हाथ पकड़ के घूम रहा, कह रहा कुछ खिलाओ दोबारा, कह रहा पेट खाली हो गया दोबारा खिलाओ, फिर फ्लाइट में भी तो करना है। खिलाओ भाई, भाई खिलाओ इसको, कोई तो खिलाओ। देखो भाई आपको एक चीज बताऊं, ये यहाँ बैठा है, यहाँ सीट खाली है, लेकिन आमिर देखो वहाँ बैठा है, यहाँ भी सीट खाली है, वहाँ भी सीट खाली है। अब वहाँ क्यों बैठा है ये मैं बताना नहीं चाहूंगा, बस समझ लो आप, इसको पता मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ इग्नोर मारा, शक्ल तो देखो ना इसकी, अलग ही टेंशन में बैठा भाई, अलग ही टेंशन में। गुच्ची पहना है ना? अच्छा गुच्ची है, अरमानी पीछे रोल दी जवानी। बोल रहा है कि आप लोगों के साथ मेरे को वो नहीं हो रहा, सूट नहीं, अमीर वाला फील नहीं हो रहा इसको ना, हमारे साथ इसको गरीब वाला फील हो रहा है। मुझे ये बता वहाँ क्यों बैठा था इतनी दूर, तेरे को हमारे साथ गरीब वाला फील होता है? मतलब तूने आज गुच्ची की शर्ट पहन ली तो तू ज्यादा अमीर हो गया। अभी इसको समीरन ने पूछा पानी पीने जाएगा, तो इस भाई साहब ने मना कर दिया कि नहीं जाऊँगा। अब मैंने इससे पूछा कोल्ड ड्रिंक पीने जाएगा, मैंने इसको बोला कोल्ड ड्रिंक पीने जाएगा, मैं भी पानी पीने ही जा रहा हूँ, मैंने इसको बोला कोल्ड ड्रिंक पीने जाएगा, कह रहा हाँ जाऊंगा, उठ के आ गया भाई साहब। मुझे पीना है, क्या पीना पीऊंगा यार, क्या सोचते कुछ यार, कॉफी वॉफी। बहुत तेज आइटम है ये, बहुत तेज आइटम है, प्यास लग रही थी तो सोचा थोड़ा पानी पी लेते हैं, हाइड्रेशन बैग में भर लेंगे पानी, बैग तो आई है पीते रहेंगे इसमें, चल फ्लाइट में तो मिल ही जाएगा ये रहा। दस बजे फ्लाइट उड़नी थी, अब जाके बोर्डिंग हो रही है, पता नहीं हमारी फ्लाइट ही डिले की होती है। और वहाँ पर अपने भाई लोग भी आए, वहीं जाके मिलवाऊंगा उनको, मैंने बोला था 12 बजे तक एयरपोर्ट आ जाना लेने के लिए, अब उनको फोन करके बता देता हूँ। एयरपोर्ट पे मीटअप है? मीटअप वीटअप नहीं करते हम, तो नो मीटअप, एयरपोर्ट गेट टुगेदर। देखो बैठते इसको एसी चाहिए, चाहे लॉर्ड ऑल्टो हो चाहे जहाज हो, इन भाई साहब की सीट आ गई है और हम दोनों की यहाँ पर है।
एक काम करना आगे मैंने बोला कि लेग स्पेस ज्यादा चाहिए तो उनको तुम कंफर्टेबल महंगी वाली सीट दिया। एक काम कर आगे पायलट के साथ बैठ जा, वहाँ एसी बढ़िया चल रहा होगा। भाई देखिए दे, पहली सीट रेडी कर ली। भाई साहब इसको जरा बोलना, भाई पानी मांगा या ग्लास की जगह बोतल दे दी इन्होंने, वो भी बिस्लेरी का, ये भी अच्छा है। अरे ये किस लिए दिए? चलो ठीक है, इसमें डाल लेता हूँ भाई। लेकिन ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, थोड़ी अलग है, थोड़ा फील आ रहा है महंगे वाला। एयर इंडिया एक्सप्रेस है, अच्छा नीचे पैर लगाना पड़ेगा। चलो बढ़िया है, कुछ नया फील हो रहा है। हेलो, जादू दिखाने का टाइम आ गया है। चलो दिखाते दिखा दे क्या जादू, जादू आपको भी दिखाते हैं। वन टू थ्री करेंगे, वन टू थ्री जादू जादू। ले भाई एक तेरा एक मेरा। ये नहीं चल रहा, कौन सा नहीं चल रहा? रिक्शे के लायक भी नहीं है, पता नहीं कैसे चढ़ गया ये। कहाँ के लायक है ये? रिक्शे के लायक भी नहीं है। ये भाई ये महंगे वाला हेडफोन, आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं दिखाऊं। हेलो हाँ मम्मी मम्मी फ्लाइट में बैठ गया हूँ। हाँ हाँ पहुँच जाऊँगा टाइम से, ठीक है मम्मी। भाई ये फ्लाइट छोटी है या बड़ी है, कितनी एयर होस्टेस है इसमें? गुड नाइट, गुड नाइट भाई। भैया गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, नींद आई ना बढ़िया? तगड़ी नींद आई, तगड़ी मजेदार। हमारे सभी अतिथियों के ये देख लो, जो लोग कहते हैं ना हम इसको छेड़ते हैं, ये भी छेड़ता है। भाई देखो मैंने बोला कि शर्ट इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? अमीर बंदा इतना जंगली बन के कौन रहता है? ये बोलो भाई, ये होता है ना तरीका रहने का। शर्ट तो अच्छी लग रही है, इसका शकल अच्छा नहीं है ना। शर्ट के साथ सूट कहा जा रहा है? तो रुक तो सही, शकल देखो। लो भाई मौलिक भाई का फोन आ गया। हाँ जी मौलिक भाई, बस नीचे उतर रहे हैं। एयरपोर्ट भी छोटा सही है, एक ही प्लेन है हमारा ही है, इधर भी कोई नहीं है। वो छोटा सा एक प्लेन खड़ा हुआ है, ये छोटे वाला प्लेन हम ही लेने आया है, सीधा शोरूम लेकर जाएगा डिलीवरी के लिए। अब गॉगल लगाने का टाइम आ गया ना, मेरे को ऐसा लग रहा है अब पहुंच गए हम अपने शहर में। मतलब वो भी अपना शहर था, ये भी अपना शहर है। ये सेट क्यों नहीं बैठ रहा मेरा भाई? पगड़ी में ना थोड़ा मुश्किल होता है उसको सेट करना, लेकिन एक बार सेट बैठ जाए। लेकिन देखने में सेट ही लग रहा है, देखने में सेट लग रहा है। हां यार शहंशाह के शहंशाह पधार चुके हैं, कहां है उनकी हायाबुसा? लेकर आओ यहीं पर। कि होटल चले हैं शोरूम जाए, तो हम सोच रहे हैं कि सीधा शोरूम में चलते हैं, बाइक की अनबॉक्स करके एक ही बार होटल जाएंगे और डब्बा हम खोलेंगे। डब्बा कितना बढ़िया लग रहा है, डब्बा हम खोलेंगे। और बताओ मौलिक भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और अभी अभी इन्होंने एक ताजा खबर दी है, यहाँ पर ऑरेंज जोन, ये इसी कहां से धीरे होगा, ये हो गया, हम थोड़ा धीरे करते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पर ना 2 दिन के लिए ऑरेंज जोन है, हमने ऑरेंज बाइक क्या ली लिमिटेड एडिशन वाली, यहाँ पर ऑरेंज जोन लग गया। ऑरेंज जोन मतलब टेम्परेचर 2 दिन तक 45 डिग्री तक जा सकते हैं, तगड़ी गर्मी पड़ने वाली। अभी 42 हो रखा है, 3 डिग्री और बढ़ेगा। अभी आमिर को पता लगेगा, आमिर का तो भाई दिल्ली में कितनी गर्मी है, कश्मीर में कितना सही रहता है, अब इसको पता लगेगा। क्या कहते शाम तक क्या होगा इसके साथ? ये ना पूरे लाल हो जाएंगे यहाँ से, रेड हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में से। आज ही इनको पता चलेगा कि गुजरात की जम्मू कश्मीर का सेब बन जाएगा ये। हाँ, आज पता लगेगा भाई। रोशन और बता दिल्ली में भाई इतनी गर्मी वाला रुक।
गर्मी तो तूने देख ही कहा है, अब तू यहाँ से जब बाइक जब बाइकों पे हम जाएंगे, जब परसों सुबह दिल्ली के लिए बाइक लेके दिल्ली जाएंगे, अब आपको तब आपको क्लियर करना है अहमदाबाद, सूरत से ज्यादा अहमदाबाद में गर्मी है 46। ओ भाई साहब, मतलब ये जो राइड रहने वाली है ना हमारी, मेरे को लग रहा है अभी तक की सबसे ज्यादा दुखदही कह सकते हैं इसको, खतरनाक दुखदही रहने वाली है। पता नहीं क्या क्या दर्द होगा, कहाँ कहाँ दर्द होगा, लेकिन ठीक है, मजा आएगा। चलो अभी सीधा शोरूम जा रहे हैं, जाते हैं बाइक का डब्बा डुब्बा खोलते हैं और दो तीन साइन वाइन करने हैं, डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम कर लेंगे डिलीवरी और परसों हो सकता है यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो परसों ही बताएंगे। मेरे को समझ नहीं आता हम जहाँ भी जाते हैं हर जगह यही क्यों दिखता था, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अभी हम कहाँ गए थे, मैसूर। मैसूर में भी सेम यही बोर्ड लगा हुआ था, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। चलो अच्छा है, भगवान करे क्लीन ही रहे। देखो कंटेनर्स की बिल्डिंग बनाई हुई है, क्या सही लग रही है, ऐसा लग रहा है ना कैफे सा है, मजा आ गया भाई। सूरत में पहली बढ़िया चीज देखी हमने। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखो ये बिल्डिंग देखो, ऐसा लग रहा है बड़े वाला क्रूज नहीं होता वो है, क्या सही लग रहा है, अच्छी बिल्डिंग है भाई। यहाँ पर भी है ना, गुड़गांव फेल कर रखा है इन्होंने, ये शीशा इन्होंने इतना साफ रखा हुआ ना मौलिक भाई ने। अच्छा लो भाई साहब, मैं तो भूल गया था ये भी होता है। बस बस बस, बहुत है मौलिक भाई, ऐसा लग रहा है रील नहीं निकलती उसमें से कैमरे में। अच्छा सिनेमा कह रहा है ये, क्या सही बना हुआ ये भी शायद, बढ़िया है बढ़िया है। ये देखो भाई साहब के ट्रक के दरवाजे खुले हुए हैं, उसको पता ही नहीं होगा, देख के निकलना, कहीं एक दरवाजा साथ ही आ जाए हमारे। ओ भैया, अरे अरे इसको क्या बोलूं, ठीक है थैंक यू, क्या बोलता आगे से तो देखा ही नहीं ना मैंने, अब देखा तो मैं क्या बोलूं, बोलने लायक ही नहीं बचा। पीछे से लग रहा था दरवाजे खुले हुए, आगे से देखा ऑटो ही खुला हुआ पूरा। सॉरी मैं उसको बोलने लगा था भैया दरवाजे खुले बंद तो कर लो, लेकिन हो जाता मेन रोड से दिया गया। बुक को हमेशा बाहर से देख के नहीं जज किया जाता ना, ये उसका एग्जांपल था, अंदर से पढ़ो तो पता लगता है, तो यही था, बाहर से देखा मैंने जज किया, आगे देखा अच्छा ऐसा है, पहुंच गए बस। हां हां ओके ओके, कब एयरपोर्ट से निकले और कब पहुंच गए पता भी नहीं लगा, बिल्डिंग है देखते देखते। हां यहां पर आए हम दुल्हन को लेने, स्वागत नहीं करोगे हम, फॉरएवर बेबी, बेबी भी मिलेगा क्या दुल्हन के साथ, हमें खाली दुल्हन ही चाहिए भैया। मैं बोलूं अंधेरा अंधेरा सा क्यों लग रहा है, आदत नहीं है ना पहनने की महंगे वाला गॉगल। ये बंदा सबसे अश्लील है, दुल्हन का घूंघट उठा रहा है पीछे। देखो ना ये कपड़ा और इसका शर्ट का कपड़ा सेम लग रहा है। हेलो, एक ही थान से बनवाया, सेम सेम बट डिफरेंट। ये रही भाई हमारी बाइक जिसको हमें लेकर जाना है, और थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं क्योंकि सीधा दिल्ली से यहीं आ रहे हैं, एयरपोर्ट होटल भी नहीं गए, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं, फिर इसका उठाएंगे घूंघट, फिर आपको दिखाएंगे क्या चीज़ ली है हमने। पहली बार हम किसी का डब्बा ऐसा खोलेंगे, जब मैंने बोली थी ना 1250 रुद्रा, उसका भी बॉक्स ऐसे नहीं खोला था, मतलब वो गए थे वो खुली खुलाई थी, लेकिन पहली बार हम किसी बाइक का बॉक्स ऐसा खोलेंगे जो हमारी है। लोगों के बहुत खोले हैं, लोगों की डिलीवरी में बहुत गए हैं, लोगों की वीडियो बहुत डाली है, बहुत व्यूज़ खाए हैं, लेकिन पहली बार अपना बॉक्स खोलेंगे। जो सबसे बढ़िया चीज़ लग रही है ना अपने को वो है यहाँ पर, ये जो इन्होंने पापा के साथ फोटो लगाई है ना, पापा को मैंने बोला था साथ चलो, पापा आ नहीं पाए काम की वजह से, लेकिन पापा आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया काम। अपना नाश्ता आ गया, नाश्ता करते सुबह से कुछ खाया नहीं, उसके बाद इसको करेंगे अनबॉक्स। मेरे को ना ऐसे हो रहा है कि देखो मेरे को भी ऐसा हो रहा है, वो कीड़े उछल रहे हैं, देखे, लेकिन धीरे, वो कहते हैं ना सबर वाला काम हमेशा बढ़िया होता है। बाइक स्पेशल है, कलर तो और स्पेशल है, धीरे करेंगे धीरे। चलो भाई नाश्ता। आप लोगों ने दिल्ली में तो बहुत सुना होगा ये वर्ड, लोचा हो गया। ये देखो लोचा हो गया, ये देखो यहाँ, ये यही होता है, जहाँ ज़्यादा शोर मच रहा हो ना उसको कहते हैं लोचा हो गया। आज हम लोचा खाएंगे, इसको लोचा कहते हैं यहाँ की, ये कह रहे हैं बहुत ही फेवरेट चीज़ है। ये किस चीज़ से बना होता है लोचा? बेसन से। ओके कह रहे रोज का दिन का 1000 किलो बिकता है ये, खा के देखें ज़रा। बढ़िया यार, ये तो मजाक में अच्छा है, सही में अच्छा।
लो जी लो शुरू करते हैं। फाइनली पेट भी भर गया है और फ्रेश भी हो गए हैं, तो अब अपनी फ्रेश फ्रेश बाइक को अनबॉक्स भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। ओ भाई नजर आ रहा है यहाँ से कलर। ये देख हल्की सी झलक दिख रही है यहाँ से भाई, क्या बेहतरीन है यार। भाई साहब ये देख इसका जो पेंट है ना, वो है डॉट डॉट वाला। हाँ जैसे प्रीमियम पेंट नहीं होता, जैसे वो मोती चमक रहे होते हैं ना, वैसे वाला। देखो भाई हम अपनी पहली बाइक अनबॉक्स कर रहे हैं, तो आपको साथ में ना सारी चीज़ें बताएंगे। ये देखो ये डब्बी देख रहे हो, ये जो बंदी हुई है, ये कह रही है चूहे के लिए होती है, ताकि चूहा अंदर ना घुसे कहीं अंदर घुस के, क्योंकि बॉक्स बंद है, अंदर घुस के तारे वारे काट दे। अब ये फ्रेम उड़ जाएगा ऊपर, बाइक एकदम खाली हो जाएगी, फिर उसके बाद ये उतारेंगे। ये देखो पहले वो देखो, अब ये देखो यहाँ पर भी बोल्ट बंद है ताकि पूरा हिले ना। और देखो चाबी भी दोनों साथ में आई है, हमारी नई बाइक की नई चाबी। ये सही है, पहले खाओ फिर आधा डब्बा खोलो, फिर चाय पियो फिर आधा डब्बा खोलो, चलता रहना चाहिए ना बीच बीच में। क्या आमिर की लड़ाई हुई क्या बाहर? भाई साहब ये हर जगह झगड़ा कर लेता है यार, मजाक कर रहा है भाई, अपने भाई लोग हैं सारे। लो भाई लगे हाथ, अपनी दिल्ली से बाइक्स भी आ गई हैं हमारे साथ साथ। देख रहे हो टाइमिंग, देख रहे हो हम पहुंचे, बाइक्स भी पहुंच गई। और सबसे बढ़िया चीज पता है यहाँ पर क्या है, चाय ठंडी नहीं होगी। हाँ गर्मी इतनी है ना, अपने भी गर्म होते हैं। चेयर से भाई। लो जी बाइकें भी आ गई। आमिर देखो कितने हैरान होकर देख रहा, आमिर सेफ आई या नहीं आई? तेरी बाइक पे डेंट दिख रहा है मेरे को, टंकी पे हल्का सा। एक काम कर सकते हैं हम, ये लाल वाली बाइक उतार दो, इसमें एक ऑरेंज वाली बाइक चढ़ा देता हूँ, ये दो बाइक लेके दिल्ली पहुंच जाओ, मैं आ रहा हूँ फ्लाइट में। गर्मी इतनी है, ये सिर्फ लाल वाली बाइक बाहर निकाल के एक बाइक दे रहा हूँ मैं, वो डाल दो दिल्ली पहुंचो हमारे यहाँ। यहाँ का चलाएंगे भाई कितनी गर्मी में, बाप रे। और भूसा भाई गर्मी भी बहुत फैक्ट्री है, नई वाली का तो मेरे को आइडिया नहीं, पुरानी वाली तो मेरी तो बहुत फैक्ट्री थी। देखते हैं अब क्या करते हैं, मेरा मन तो यही हो रहा है आमिर के उतार दूं, आमिर बाय रोड आ जाएगा, हम फ्लाइट पे चले जाते, बाइक के पहुंच जाए। आमिर ठीक है, डन है ना डील? पक्का है? खाली लाल वाली उतार दो। ओके सर। आ जा भूसा ले जा। हाँ हाँ पक्का पक्का भाई, जा रहे हैं। बाय बाय। जा नहीं रहा, जबरदस्ती भेज रहा हूँ, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, यहीं खड़े हुए हैं पिछले दो घंटे से, मतलब धूप में खड़े हो, जाओ यार नहीं तो शोरूम में बैठ जाओ। नहीं नहीं अभी जाओ, अभी उनको छोड़ के आओ। ठीक है ठीक है, हमारी भाभी जी भी साथ में खड़ी हुई हैं, वो प्रेग्नेंट, अच्छा नहीं लग रहा देख कर ना, मतलब जाओ छोड़ कर आओ उनको पहले। आराम से अमीर भाई, पकड़ पीछे बाइक है। पीछे कहाँ बाइक है? कुछ नहीं, आ जाओ। लो जी अपनी बाइक उतार ली, अब अपनी तीसरी बाइक उतार देते हैं इसका घूंघट। भाई क्या खूबसूरत है यार, अरे लग रही है ना बढ़िया। देख एक एक चीज ढक के आती भाई, काला टीका लगा दो ना, एक काला टीका। तेरे को भी लगा दूं? मेरे को भी लगा, तेरे को भी इसकी नजर लगेगी, तेरी नजर ना किसी को लग जाए। अच्छा तू भी लगाएगा? अब इसको आगे करके ना गिर भाई, आज के लिए काफी है, बाकी कल दिखाएंगे। हाँ सही में, हाँ सही में, अगर आज पूरा दिखाई देंगे कल के दिखाएंगे। तो मीटर तो दिखा दे कम से कम। नहीं 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 नहीं, ओ भाई इतना खूबसूरत मीटर, मीटर दिखा दे, मीटर दिखा दे। नहीं दिखा बाकी भाई यार, थोड़ी सी तो दिखा दे भाई, क्या लग रही है भाई, मजा आ रहा है, फील आ रहा है बैठ के, खतरनाक सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। आज दिखाएंगे नजर लग जाएगा, कल डिलीवरी लेंगे अपना करेंगे उसके बाद दिखाएंगे। अच्छा आज दिखाएंगे नजर लग जाएगा, कल दिखाएंगे तो नहीं लगेगा, ये कौन था लेकिन भाई। अच्छा ये दिखा दे, देख इस पे ये जो ये लिखा हुआ है। हाँ ये दिखा दे। देखो भाई 25th एनिवर्सरी एडिशन, बाकी छुपा लेता हूँ। भाई कौन सी बाइक चाहिए? एक केजी भूसा दे दो। भूसा अवेलेबल नहीं है भाई,
क्या अवेलेबल है? भूसा नहीं मिल सकती। ऑरेंज कलर का एक दिखाया मैंने पीछे, वो देखा है, वो बुक हो चुकी है। अच्छा। आपको नहीं मिलेगी, आपको बुकिंग करानी है दिल्ली में कराओ। यहाँ नहीं है? नहीं, यहाँ क्या, कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने सुना है कि दिल्ली वाले बंदे यहाँ आ रहे हैं लेने के लिए। हम खुद दिल्ली से यहाँ आए हैं, दिल्ली वाले हमें दे नहीं रहे थे, हमें गुजरात आना पड़ गया। तुम्हारे भाई ने नई छोले कुलचे की दुकान खोली है, ग्राहक देखो भाई कितने सारे हैं। अभी दुकान खुली है, दादी दादी पीछे बन रहे हैं। चलो जी, हमारी दोनों बाइकें जा रही हैं शोरूम के अंदर और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। धूप तगड़ी है, टाइम हो चुका 3:03। बताओ, सुजुकी के शोरूम में दुकाटी और बीएम जा रही है, पहली बार हुआ होगा ऐसा? भाई क्या नसीब है इनका ना, सुजुकी वालों का। नसीब उनका कह लो या हमारा कह लो कि हमारी बाइक के अंदर खड़ी है, तीनों बाइकें साथ में लग जाएंगी और अच्छा भी लग रहा है। इतनी तगड़ी गर्मी है ना, हम देख रहे हैं इससे भी नीचे जाता है क्या, यहाँ के लिए 12-13 होना चाहिए टेम्परेचर, इतनी ज्यादा गर्मी है क्या? धीरे चलाना ये गाड़ी। ये भाई, ये समीरन के भाई है। अरे भाई ठीक है, समीरन के भाई है ना ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई आमिर भाई का भाई बना रहा है, कोई समीरन भाई का भाई बना रहा है। तो भाई यहाँ से निकल गया शोरूम से और टाइम हो चुका है दोपहर के 3:30। बाइक की अनबॉक्सिंग कर ली, दिल से खुशी है, बहुत सारी चीजें कर ली। धीरे धीरे आपको कुछ आज के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, कुछ कल के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। मजा आ गया, धमाका। गुजरात में मावा खाओ। मावा नहीं खाया तो क्या किया है ना? क्या गुजरात में हर कोई मावा खाता है। ये सुपारी है, नॉर्मल सुपारी, नॉर्मल सुपारी है। आप भी खा सकते हो, नॉर्मल सुपारी खा सकते हो, ये साथ में नहीं मिलाओ तो। अभी ये हो गया इसमें हमारे भाई, इसी चीज की ट्रेनिंग रह गई थी और तो कुछ नहीं बचा था देने के लिए जिंदगी में। ये बाबू पार्सल चूना है, छोटी दूध की थैली है ये। हाँ, इसको ऐसे ऐसे डाला, क्या फायदा, मत देखो और ना ये चीज करनी चाहिए। नहीं नहीं, वो भी नहीं प्रमोट करते, जो कर रहा है वो करे लेकिन तुम लोग मत करो। ये कैसी बस है? वो BRTS है। ये दरवाजा कैसा है? ये सारी चीजें लगे क्या? क्या सारी ऐसी होगी? देखो ये वाली भी ऐसी है। यहाँ लगा है भाई मेला, लेकिन मेले में कोई आता ही नहीं होगा इतनी गर्मी में ना। इतनी गर्मी और वो देखो बिल्डिंग सामने, मेरा खुद ही ये क्या है, कैप्सूल बना रखे हैं क्या भाई? अलग अलग कैप्सूल है, डायनासोर के अंडे हैं भाई। ये चीज बार बार तो नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन सच में गर्मी है, सच में गर्मी है। दिल्ली में भी हम घूमते, कैसे हो भाई? ठीक हो, एकदम बढ़िया। दिल्ली में भी हम लोग घूमते हैं लेकिन इतनी गर्मी तो नहीं होती है, यहाँ तो बुरा हाल है। 2 मिनट के लिए खड़े हो पूरा माथा पसीना पसीना हो जाता है। यार टीका हट गया क्या? नहीं नहीं है, मैं हटाना नहीं चाहता, अच्छा लग रहा ना लगा हुआ। कर ले पार कर ले, देख रहे हम तेरे को। ये भाई साहब पार, ये रिसेप्शन में जो मैडम बैठी उनको बोलो पार करेगा ये। लेकिन आमिर को बहुत बड़े गिटार बजाना आता भाई, एक बार सुना दे, एक बार हल्का सा सुना दे। ओ, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही। रात को बजाएंगे आराम से ना, सब कुछ ठीक है ना? टिंग 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 टिंग, वो वाली क्लिप नहीं सुनी ना? पिक्सन दे ही मैया, टिंग 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 टिंग। ये क्या है, रामायण का बीच में ला रहे हो? रात को लेंगे ठीक है। चलो भाई, तीनों रूम हमने पास पास ही ले लिए, 211, 215, 217। और एक बार रूम देख लें भाई, लगाइए इसकी जरा ये। वाह, रूम तो अच्छा है, ऐसा लग रहा है बंक बेड लगे हुए हैं, जैसे हॉस्टल में नहीं रहते थे, हॉस्टल वाला जैसा रूम लग रहा है। और एक बार बाहर का नज़ारा देखें, तेरी छाती में गुतरा था भाई ये। भाई नज़ारा तो सही है यार, यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी। एक बार फ्लैश बंद करता हूँ फ़ोन की ना, ये देखो आने वाले टाइम में यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, फिर सब कुछ छुप जाएगा। लेकिन अभी नहीं, शिव वाला बिल्डिंग देखो, हम रास्ते से देख रहे थे। हाँ वही है, शिव वाले बिल्डिंग के पास ही आ गए हम। आमिर पूछ रहा है मैं किस पे घुसूं? आमिर तेरे लिए तो अलग रूम है, 4th फ्लोर पे। देखो किसी के कान पे फोन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ महफिल जमी हुई है, इसका अलग ही चल रहा है, मोटा बिजनेस चलता था कश्मीर में। तो भाई अभी करेंगे थोड़ी देर आराम, भाइयों के साथ बातें बातें करेंगे। लास्ट गोवा मिले थे, उसके बाद अब मिल रहे हैं। हो गए मेरे 6 महीने तो हो गए, दिसंबर में मिले थे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ पूरे 6 महीने हो गए लगा लो। 6 महीने बाद बहुत सारी बातें करने के लिए, क्या मेरे बात करनी है? कौन है? अरे तो गुरु जी लग रहे हैं। गुरु जी क्या हाल चाल? मौज हो रही है, आप बताओ। देखो भाई ये आगे बिस्किट और वो देखो वो चाय के कप पड़े हुए हैं ना, बंदा चाय के कप रख गया और चाय डालना भूल गया, कैटल लेके वापसी, गलती लगी है मेरे, फोन करो एक बारी।
मैंने बिस्किट खोले, मैं उसको कह रहा हूँ चाय का कप दे, बिस्कुट डुबो के पीऊं खाऊं, लेकिन चाय नहीं है, कप रख के कैटल ले गया। बिस्किट डुबा के पीऊं, हमने बोला था 6 तो वो गलती से 3 लाए। चिकन टिक्का, ओए ओए मासा फिश, ओए ओए जिंजर प्रॉन फ्राई, ओ भाई साहब, और मुर्ग बिरयानी, ओए ओए ये भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें मैंने वो बता दी, बस अब ये 2 हफ्ते यहाँ से जाएगा ही नहीं। अब नहीं जा रहे गुजरात से, अब यही हम 2 हफ्ते यही पार्टी करेंगे, बाकी अभी प्लान बना रहे हैं आगे, हमने राइड करनी कहाँ की है देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। मैं भी वेज हूँ भाई, वेज हम सारे वेज, आमिर को छोड़ के सारे वेज है भाई, वेज है आमिर को छोड़ के सारे वेज, वेज वेज। मौलिक भाई आपकी बिस्लेरी ही है क्या? बिस्लेरी को टकवा पीछे चिपका दिया उन्होंने बिस्लेरी, और ये देख लो ये कौन कर रहा है, शक्ल शक्ल में देखो पुरुष। जो लोग हमें कमेंट करते हैं ना, तुम लोग आमिर के साथ इतना मजाक करते हो, बेचारा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, बेचारा बेचारा बेचारा, ये बेचारा ये देख लो क्या कर रहा तुम्हारे सामने, ये बेचारा नहीं है भाई, इसको बेचारा सामने गलती मत करना। हेलो यहाँ पर इतने सारे बंदे बैठे, कोई एक बंदा इसको बेचारा बोल के दिखाए, है लग रहा है ये बेचारा ये भाई बेचारा, ये देखो शक्ल देखो ये क्या चीज है, ये खिचड़ी, खिचड़ी हरे रंग की खिचड़ी, हरे रंग की खिचड़ी, खिचड़ी याद आ रहा है, खिचड़ी बोल रही है हम पे, ये किसने हरा रंग डाला, खिचड़ी खिचड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइस में खिचड़ी, पालक है पालक खिचड़ी, पालक खिचड़ी भाई साहब एक नंबर, मजाक नहीं एक नंबर, सही में एक नंबर भाई। लो जी लो शाम का प्लान थोड़ा चेंज, चेंज क्या, थोड़े चेंज के लिए घर से निकल गए हैं, अभी 2 दिन के लिए तो यही घर है, जा रहे हैं मॉल घूमने के लिए, कौन से मॉल जा रहे हैं हम, बीआर मॉल, बीआर मॉल, क्या करवाया इसको, इसको क्या करवाया, अब सोच लो क्या करवाया, कुछ तो करवाया भाई ऐसा। तो ये मॉल देख रहे हो सामने, इसका नाम है RR मॉल, और हम लोग जा रहे हैं VR मॉल, यहाँ सारे मॉल ऐसे हैं क्या, RR VR PR AR, RR और VR दोनों फेमस है, ओके okay. सबसे बड़ा मॉल है वो सूरत का VR मॉल है, VR मॉल जहाँ जा रहे हैं, हाँ, जहाँ जा okay. रहे हैं, ओके लग तो ये भी अच्छा रहा RR, लेकिन हम मॉल में करेंगे क्या, मॉल में करेंगे क्या, आएंगे पिएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आता यार घूमने में, बॉलिंग वगैरह, बॉलिंग वॉलिंग कर लेंगे, अच्छा कुछ खेल लेंगे, गेम वेम खेल लेंगे, टाइम तो पास कर ले, इतनी दूर आए हैं सूरत, एक आधा मॉल देख ले, कभी कोई हमसे पूछे कि भाई तुमने सूरत में क्या देखा, कम से कम बोल तो भाई हमने VR मॉल देखा। ये देखो जो सूखे सूखे झूले पड़े थे अभी, क्या बढ़िया लग रहे हैं, हंडोला है, इसको हंडोला कहते हैं ये वाले झूले को, बढ़िया फुल मेला लगा हुआ है, ये 12 महीने लगा रहता है या वैसे कोई त्यौहार व्यौहार पे लगा हुआ है, ये सीजन में आता है, अच्छा सीजन में आता है ना, सीजन 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीना रहता है ये, फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। ये हम बैक साइड आ गए क्या, हाँ मॉल जैसा तो लग नहीं रहा, ये नहीं मॉल तो है, बड़ा मॉल है, इसका फ्रंट साइड उधर होगा ना, हाँ पीछे की साइड से आ गए, पीछे तो बस बिहार है भाई। IPL देखने के लिए देखो क्या सही सिस्टम का रखा है, यहाँ चेयर लगा रखी है और स्क्रीन देखो यहाँ खतरनाक, अब पता लग रहा है भाई सही में बड़ा मॉल है। 11 साल हो गए इस मॉल को, 11 11 क्यों है ऊपर, हाँ यहाँ पर भी 11 है, यहाँ मेरी बूसा लगा देते, गिफ्ट 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 आमिर गिफ्ट गिफ्ट, ये तो दे दो, ये तो 11 साल हो गए, हम तो गिरा हो गए, हमको गिरा देगा 2-3 दिन के लिए, एक उठा के फोटो करा लो ना, पता अरे एक बार ये दिया 5 दिन के लिए बिठा देगा हम लोगों को, चलो ठीक है। कुछ जन्मों पहले मेरा जहाज यहाँ रह गया था, अब ले जाएंगे इस बार ही ना, भूसा इसी में रख के लेके जाएंगे, ये बोल के लेते गेम पार्लर है, बोलिंग करेंगे, ये देखो उतार जूते उतार, मच्छर नहीं काटते, मच्छर काट जाता, चल जूते उतार ना, चल खेले, ये देख सकते मुझे देख रही है, ये खेल सकता, 6 से 11 ईयर सर, आप लोग बहुत छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा वगैरह, 6 से 11 चल भाई बाहर आ जा, चलो चलो, पूरा ड्रैगन सा बना हुआ है भाई रोड के बीच में, अच्छा लग रहा है ना,
तो भाई गए थे मॉल बॉलिंग करने के लिए, पता लगा जहाँ बॉलिंग होती है वो जगह ही बंद हो गई थी। अभी जा रहे किसी कैफे, क्या नाम बताया था अजीब सा, चलो कुछ नाम बताया था, वहीं जा रहे, कह रहे वहीं बैठेंगे, कॉफी कॉफी पियेंगे, थोड़ी बातें बातें करेंगे, उसके बाद वापस जाके सो जाएंगे और कल लेंगे अपनी बाइक की डिलीवरी फुल जोश में। लो भाई पहुंच गए हम लोग कैफे और सामने चल रहा है मैच और यहाँ चल रही पबजी और ये आ गई अपनी कोल्ड कॉफी, मोमोज, पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऑर्डर कर दिया। मैंने बोला मेरे को तो भूख है नहीं, अभी तो चावल खाए थे, अब मोमोज खाएंगे, मोमोज के साथ और क्या बोला, छोले कुलचे, छोले कुलचे। तो भाई अभी सीन ऐसा है, थक गए कैफे में बैठे बैठे ना, हल्की हल्की आंखें बंद हो रही थी, तो मौलिक भाई कह रहे हैं कि भाई नींद आ रही तो चलते ही, मतलब हाँ चल ही लो यार। रात को 3 बजे सोए थे वीडियो एडिट करके, सुबह 6 बजे फिर उठ गए थे क्योंकि फ्लाइट थी, फ्लाइट में यहाँ आए, अनबॉक्स करी अपनी नई बाइक, बाकी दोनों बाइकें उतारी, होटल गए, वहाँ बातें बातें मारी, फिर मॉल गए, अभी कैफे गए, अभी ऐसा हुआ कि बस बेड मिल जाए सो जाए, लेकिन अभी जाके ये वाली वीडियो भी एडिट करनी है तो लगा लेंगे, इसमें भी 2-3 घंटे कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे और कल डिलीवरी लेनी है, तो डिलीवरी लेनी है तो पूरा जोश में होना चाहिए, इसलिए नींद पूरी होनी भी जरूरी है। तो अभी सारे भाई लोग जा रहे हैं होटल की तरफ, जाएंगे मस्त सोएंगे, सुबह उठ के धूम मचा देंगे, डन है ना? डन है भाई जी, डन है। यार सही लग रहा है यार, है ना? जाना है? नहीं नहीं अंदर घूमने। अरे नहीं जाना भाई, अभी हिम्मत नहीं है, अरे कल देखेंगे। तो देखो भाई समय ऐसा आ चुका है कि हमें सिर्फ बेड की जरूरत है और बेड से पहले एक ड्रिंक की, जिससे थोड़ी पावर आएगी और हम वीडियो एडिट कर लेंगे। ये कब आया? क्या रेडबुल? वहीं से ले आया था ना। अरे एक तो गाड़ी में रह गया यार, गाड़ी में रह गया, मेरे को पता था वीडियो एडिट करना थोड़ी तो एनर्जी चाहिए। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा, यहाँ तक आपने देख लिया लाइक करें बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलता है किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। और जितने बंदे कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं दिल से शुक्रिया, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ऐसे ही हम बेहतरीन बेहतरीन चीजें करते रहेंगे, बाय बाय। ओह क्या, अच्छा इनको भी पता लग गया, बाय बाय हो गई है, लाइट चली गई, चलो बाय 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 बाय। भाई भाई सुनो, हां जिसने अभी तक कांग्रेचुलेशन नहीं लिखा और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या उनकी आंखों में मारेगा ये? नहीं, उनको आगो 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 आगो। ठीक है भाई, ये हगो होता है, ह्यूगो होता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं, ह्यूगो 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 गोगो हगो। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।